अभी मैं आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि उसमें रिटन नोट्स बनाने में टाइम लग रहा है। कंटेंट बहुत ज़्यादा है उसमें, ऑलमोस्ट 10-12 पेजेस हैं। ठीक है, तो सारे रेलिवेंट तो है नहीं, थोड़ा इंपॉर्टेंट पोस्ट भी डिसाइड कर रहे, थोड़ा टाइम लग रहा है उसमें। तो उसको मैं धीरे धीरे बना के आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो फिर हम ये स्टार्ट करते हैं, है ना। चैप्टर का नाम क्या है? जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। यानी कि ये चीज अब तो चल रही है, अब क्या हो गया? है ना, ये चीज तो पता चल रही है कि इसके हम दो चीजों के बारे में बात की जा रही है। कुछ जैनिज्म नाम की चीज है उसके बारे में बात की जा रही है, बुद्धिज्म नाम की चीज है जिसके बारे में बात की जा रही है। और आई थिंक ये चीज नहीं है, आपको पता है क्या चीज है? थोड़ा बहुत आपको भी पता है। ठीक है, अब उस थोड़े वर्ड को थोड़ा सा स्ट्रक्चर देंगे, आपको कुछ पता होगा बिना स्ट्रक्चर फॉर्म में, थोड़ा सा स्ट्रक्चर देंगे, थोड़ा डिटेल में चैप्टर के नाम जानेंगे। ठीक है, जैनिज्म क्या है, बुद्धिज्म क्या है। आप लोग सब बात तो एक ही है, तो दोनों जैन ही नहीं, दोनों अलग अलग होते हैं। कैसे जैनिज्म का स्प्रेड हुआ, कैसे बुद्धिज्म रिलीजन का स्प्रेड हुआ, पता है ना? दोनों रिलीजन है, दोनों क्या है, दोनों रिलीजन है, दोनों क्या है, रिलीजन है। ठीक है, अब ये किन की वजह से आया, किन की वजह से आया, हमें पढ़ना है। ठीक है, चैप्टर का स्ट्रक्चर मैं आपको दोबारा समझा रहा हूँ। चैप्टर का स्ट्रक्चर वो भी लास्ट वाला टॉपिक की तरह, इसमें हम जैनिज्म के बारे में बुद्धिज्म के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे उसमें, कि सोर्सेस, कि हमें ये जो भी कुछ पता हुआ है वो कैसे पता हुआ है, ये जो भी हमें पता है ये कैसे पता है। हमें उस चैप्टर में ही पढ़ा था, अगर आपको ध्यान होता तो, प्रीवियस चैप्टर था। क्या नाम था उस चैप्टर का आपका? अरे अभी हमने क्या था, वैदिक पीरियड। हाँ, हमने वहाँ पे भी सोर्सेस पढ़े थे, लिटरेरी सोर्सेस, अलाइड सोर्सेस, एपिक्स, ठीक है, फिल्म, है ना, ये पढ़े थे हमने। तो इस तरह से यहाँ पे हमें कुछ सोर्सेस पढ़ने हैं कि हमें इनके बारे में पता चला तो कैसे पता चला, कैसे पता चला, है ना। चलो देखते हैं, चैप्टर स्ट्रक्चर है ना, हमें चैप्टर बनाना पड़ेगा, कोई बात नहीं, बस इस चीज में टाइम लग जाता है। यही चीज मेरे कुछ में लग रही है। आपके तो वैदिक पीरियड में स्ट्रक्चर नहीं है पूरे चैप्टर का, इसलिए मेरे को 2-3 घंटे, 2-2.5 घंटे लग गए। चलो स्टार्ट करते हैं। इन द सिक्स्थ सेंचुरी, इन द सिक्स्थ सेंचुरी BC, यानी 600 की बात कर रहे हैं। इन द सिक्स्थ सेंचुरी BC, द आर्यन सेटलमेंट एक्सपेंडेड टू द ईस्ट अकम्पनीड बाय रैपिड सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंजेस। वो कह रहा है कि 600 ईयर तक, सॉरी सिक्स्थ वो सेंचुरी बोलूँगा वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उस टाइम पर ईयर उल्टा चलता था, 600 से लेकर 500 तक का पीरियड है ना, ऐसा बोला जाता है। तो वो कह रहा है इन सिक्स्थ सेंचुरी जो आर्यन का जो सेटलमेंट था ना वो काफ़ी एक्सपेंड हो गया। सेटलमेंट सुनता बार आपको नहीं ध्यान, तो सेटलमेंट सुन होता है अपने कॉलोनीज बसाना, अपनी लोकेलिटीज बनाना, ठीक है, घर बसाना, बेसिकली आप ऐसा कह सकते हो, घर बनाना, घर बसाना ये कह सकते हो। तो इन सिक्स्थ सेंचुरी जो आर्यन थे उनका सेटलमेंट, उनका ये सेटलमेंट जो हो गया एक्सपेंड हो गया, कहाँ कहाँ तक एक्सपेंड हो गया, वो ईस्ट में ही फैल गए। ठीक है, वो ईस्ट तक फैल गए, एक्सपेंड टू द ईस्ट, ईस्ट तक फैल गए। ठीक है, नॉर्थ से आए थे, नॉर्थ से आते आते वो कहाँ तक चले गए थे, ईस्ट तक चले गए थे। ठीक है, अकम्पनीड बाय रैपिड सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंजेस, और काफ़ी सारे अपने साथ में क्या क्या लेके आए, सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चेंजेस भी लेकर वो आए। सोसाइटी एट सम प्लेसेस हैज ट्रेस ऑफ ट्राइबल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, वाइल एट अदर सम अदर प्लेसेस द किंगडम्स वर ऑन द राइज। ये हमने पढ़ाई था कि वहाँ पर बहुत छोटे छोटे ट्राइब्स भी थे। तो वो कह रहा है सोसाइटी में किसी किसी जगह पर बहुत छोटे छोटे ट्राइब्स भी पाए जाते थे। ट्रेड्स मतलब फीचर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि वहाँ पर कुछ 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 जगहों पर हमने सोसाइटी के अंदर देखा ट्राइबल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स थे, यानी ट्राइब्स के भी फीचर्स थे।
और कहीं कहीं टाइम पर किसी किसी जगह पर किसी किसी जगह पर किंगडम्स थे नहीं, पर किंगडम्स वर ऑन दी राइज। किंगडम्स बनने जा रहे थे, किंगडम्स बने नहीं थे, किंगडम्स थे नहीं के पुराने, किंगडम्स बनने जा रहे थे, अभी किंगडम्स है नहीं, बनेंगे, ठीक है। बना उसकी जो स्टार्टिंग थी, स्टार्टिंग हमें उस टाइम पर दिखाई देने लगी थी। मेटेरियलिज्म एंड स्पिरिचुअलिज्म बोथ एग्जिस्टेड साइड बाय साइड। मेटेरियलिज्म और स्पिरिचुअलिज्म दोनों का मीनिंग समझा रहा हूँ मैं, लिखवा नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ठीक है। इनका लिखने का मीनिंग देखूंगा क्या बोलते हैं कुछ प्योर हिंदी में। मेटेरियलिज्म और स्पिरिचुअलिज्म है ना, स्पिरिचुअलिज्म। तो मैं आपसे बोलूँ, अब मैं आपसे बोलूँ, एक आपके सामने सपोज करें ग्लास है, क्या है तो ग्लास है, ठीक है। तो मेटेरियलिज्म क्या कहेगा, मेटेरियलिज्म क्या कहेगा कि ये ग्लास कुछ नहीं है, एक नॉन लिविंग थिंग है जो कि बहुत सारे कांच के मैटर से मिलकर बना हुआ है, जो कि बहुत सारे कांच के किस बना हुआ है, मैटर से मिलकर बना हुआ है। और वो डिटेल में बता देगा कि मैटर में दर के मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स में दर के एटम्स ग्रुप, तो बहुत छोटे छोटे एटम्स से, बहुत छोटे छोटे कांच के एटम्स से मिलकर ही बना हुआ है ये ग्लास है, ठीक है। इसको इंसानों ने ही बनाया है, इंसानों का भी नहीं दे रहा मैं एग्जाम्पल, कोई दूसरे एग्जाम्पल में आपको, कोई दूसरे एग्जाम्पल लूँगा आपके लिए, ग्लास के एग्जाम्पल सही नहीं रहेगा, कर दूँ आपके लिए। तो 2 सेकंड देना जरा मुझे इसके लिए, इसको समझाने के लिए मैं कौन से एग्जाम्पल लूँ। हाँ चल इंसानों के ले लेते हैं, ठीक है। इंसानों का मतलब इंसान दुनिया में कैसे है, इंसान दुनिया में कैसे है, तो उसकी 2 फिलोसफी हैं, एक तो मटेरियल फिलोसफी है, एक स्पिरिचुअल फिलोसफी है, ठीक है। 2 अलग अलग थॉट चलते हैं, मटेरियल, एक मटेरियल और एक स्पिरिचुअल। आप थोड़ा समझ लो इनके मैं कहने से आ रहा हूँ, यानी कहने का मतलब ये शॉर्ट में कर रहा हूँ, एक साइंस को मानता है यानी फैक्ट्स को मानता है, और एक इमोशंस को, फीलिंग्स को मानता है, ठीक है। मेटेरियलिज्म क्या कहता है कि ये तो मटेरियल, मटेरियलिटी प्रूफ, सामने एकदम एकदम क्लियर चीज़ क्या है, मैटर, मैटर एकदम क्लियर होता है ना, दिखाई देता है, मैटर का तो एकदम दिखाई देता है, लेकिन क्या स्प्रिट, जो स्प्रिट होती है क्या वो आपको दिखाई देती है क्या, नहीं। तो वो कह रहे हैं आप जो भी बात कहना चाह रहे हो उसका क्या प्रूफ है आपके पास, क्या वो दिखाई दे सकता है क्या, हमें इंसान कैसे आए, ग्रंथों में लिखा है कि भगवान ने बनाया है, ठीक है। साइंस लेकिन रिसर्च करती आ रही है, साइंस कह रही है कि ये पहले पानी आया, पानी में से कुछ कीड़े वगैरह में से फैल फैल के अलग अलग प्रजाति के लोग क्रिएचर्स बने, फिर उन क्रिएचर्स का एग्जाम्पल हम भी हैं, ठीक है। तो ये है, तो उनके पास चीज़ का एविडेंस है, उनके पास चीज़ को प्रॉपर नहीं पर हाँ एक एविडेंस है। यानी कहने का मतलब मेरा क्या है, हम साइंस की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, इंसान कैसे बहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं मेटेरियलिज्म और स्पिरिचुअलिज्म का मतलब। तो मेटेरियलिज्म मतलब कोई ऐसी चीज़ के बारे में बात करना, एक ऐसी चीज़ पर फोकस करना, एक ऐसी फिलोसफी जो मैटर पे, जो एकदम एविडेंस पर फोकस होती है। और स्पिरिचुअलिज्म मतलब क्या, एक ऐसी फिलोसफी जो इमोशंस पर एम्फसाइज करती है, ठीक है। वो कह रहे इस जगह पर ये दोनों ही चीज़ें क्या करती थी, एग्जिस्ट करती थी साइड बाय साइड, ठीक है। दोनों ही चीज़ें एग्जिस्ट करती थी, कुछ लोग मेटेरियलिज्म को मानने वाले थे, कुछ लोग स्पिरिचुअलिज्म को मानने वाले थे। द पीपल इन द लेटर वेदिक एज बिगन टू यूज इम्प्लीमेंट्स एंड टूल्स मेड ऑफ आयरन। वो कह रहे हैं जो लेटर वेदिक एज वाले जो लोग थे वो उन्होंने शुरू कर दिया, बिगन टू मतलब होता है शुरू करना, बिगन टू मतलब होता है स्टार्टेड, उन्होंने स्टार्ट कर दिया, क्या स्टार्ट कर दिया, आयरन के बने हुए टूल्स और इम्प्लीमेंट्स का यूज करना, आयरन के बनी हुई चीज़ों का यूज करना। द आयरन टूल्स इनेबल्ड देम टू क्लियर फॉरेस्ट। आयरन उनकी कैसे हेल्प की, फॉरेस्ट वगैरह क्लियर करने में हेल्प की उनको, ब्रिंग मोर लैंड अंडर कल्टीवेशन, ताकि उससे वो और ज़्यादा लैंड पर क्या कर सकें, कल्टीवेशन कर सकें एंड लेड अ सेटल्ड लाइफ, और एक अच्छी सी लाइफ एंजॉय कर सकें। इन चीज़ों में आयरन ने हेल्प की, इन चीज़ों की लाइफ उन्होंने आयरन ने बनाया। एज अ रिजल्ट देयर वॉज सरप्लस प्रोडक्ट, सरप्लस मतलब एक्स्ट्रा, एज अ रिजल्ट देयर वॉज सरप्लस प्रोडक्ट ऑफ फूड ग्रेन। इसी वजह से क्या हुआ, वहाँ पर एक्स्ट्रा क्या हुआ, खाने खाना इकट्ठा होने लगा, जो वो प्रोड्यूस होने लगा,
this surplus produce could be utilized by the kings to meet their military एंड एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स। वो कह रहा है ये जो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस होता था इसको हम कैसे यूज करते थे उस टाइम पर, ये यूज किया जाता था किंग से, किंग्स के द्वारा यूटिलाइज किया जाता था। किंग्स के द्वारा किंग सारा खाता था कि नहीं, किंग नहीं खाते थे, किंग क्या कर रहे थे अपने मिलिट्री को और अपने एडमिन पर्पस के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव को शॉर्ट में एडमिन बोलते हैं ठीक है, तो अपने मिलिट्री वालों के लिए और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए वो इसको परचेस कर लेते थे और उनको खा देते थे ठीक है, यानी उनके काम में आ जाता था। इट वुड ऑल्सो भी यूज बाई द पीपल इन दी टाउन हु स्पेशलाइज इन वेरियस आर्ट्स एंड क्राफ्ट, तो टाउन वाले लोग भी क्या करते थे उनको यूज करते थे। ऑल दिस एडवांटेज इनेबल्ड द पीपल टू लेट अ सेटल लाइफ, इन सभी वजह से हम कह रहे हैं कि ये एक सेटल लाइफ उस टाइम पर लीड किया करते थे, एंड टू एक्सपेंड फर्दर इन नेबरिंग एरियाज। और क्योंकि अब खाना बहुत ज़्यादा है तो ये अगल बगल में शेयरिंग करके या फिर खाने की ना चिंता करके अगल बगल उस टाइम पे तो अटैक कर करके जगह ले रहते थे ना अगर घूम घूम के, तो आराम से वो क्या कर सकते थे नेबरिंग एरियाज तक क्या कर सकते थे अपने आप को एक्सपेंड कर सकते थे। दिस एक्सपेंशन रिजल्टेड इन वॉर्स बिटवीन डिफरेंट ट्राइब्स, और सर जहाँ जहाँ पर जगह खाली नहीं होती थी वहाँ वो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ पर जगह खाली नहीं होती थी, सॉरी मैं उल्टा बोल गया, जहाँ जहाँ पर जगह खाली होती थी वहाँ वहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं, आप वहाँ पर अपनी जगह बना लो, लेकिन जहाँ पर ऑलरेडी है तो वहाँ पर तो फिर लड़ाई होगी, तो इसकी वजह से क्या होता था एक्सपेंशन की वजह से लड़ाइयाँ होती थी डिफरेंट ट्राइब्स के बीच में। इन दीज वॉर्स द लार्जर एंड मोर पावरफुल ट्राइब्स डिफीटेड एंड द स्मॉलर वंस एंड है ना डिफीटेड द स्मॉलर वंस, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है जो बड़े होंगे जो पावरफुल होंगे वो छोटों को हरा देंगे, एंड एक्सपेंड देयर टेरिटरी एंड क्रिएटेड, उन्होंने अपनी टेरिटरी क्रिएट की एंड क्रिएट देयर किंगडम, और उन्होंने अपना किंगडम बनाना स्टार्ट कर दिया, यहाँ से बड़ा है किंगडम। इन किंगडम्स को उस टाइम पे क्या बोला जाता था, एग्जैक्ट किंगडम तो बोला नहीं जाता था क्योंकि इंग्लिश का वर्ड है और हम हिंदी वाले लोग थे। इन किंगडम्स को उस टाइम पर क्या बोला जाता था, जनपदा, जनपाड़ा, जनपाड़ा है ना, हिंदी में जनपद बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं जनपद, इंग्लिश में जनपाड़ा, जनपाड़ा है ना, हिंदी में जनपद बोलते हैं, आपने कहीं देखा हो बैनर वगैरह पे लिखा हो जनपद, तो वो जनपद का मतलब ये जनपाड़ा होता है ठीक है। अ नंबर ऑफ जनपाड़ा जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म बिगर एंड मोर पावरफुल इंडिपेंडेंट किंगडम्स कॉल्ड महाजनपाड़ा, महाजनपाड़ा। बेसिकली क्या हुआ, जनपाड़ा बन ठीक है, जनपाड़ा टू, जनपाड़ा थ्री ठीक है, एंड सो ऑन ठीक है, एंड सो ऑन, ये सारे मिल गए, ये सारे बहुत सारे जनपाड़ा मतलब जनपाड़ा मिलकर क्या कर रहे थे, एक सिंगल महाजनपाड़ा बना रहे थे, सिंगल महाजनपाड़ा बना रहे थे। एक सिंपल महाजनपाड़ा बनाते थे, इतना बड़ा है ना, सिंपल महाजनपाड़ा बनाते थे महाजनपाड़ा ठीक है। तो डेफिनेशन याद होनी चाहिए, महाजनपाड़ा मतलब क्या, ग्रुप ऑफ जनपाड़ा, ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट जनपाड़ा ठीक है। द सिक्स सेंचुरी बीस इज रिगार्डेड एज एन इम्पोर्टेंट एपोक, एपोक इन द वर्ल्ड हिस्ट्री, एपोक मतलब क्या, एज, पीरियड, एपोक मतलब क्या, पीरियड है ना, तो एक इम्पोर्टेंट पीरियड इसको माना जाता है इन द वर्ल्ड हिस्ट्री, विच सॉ द एमर्जेंस ऑफ थिंकर्स लाइक देयर आर लाइक जरास्ट्र, जिसको जरोस्टर बोलते थे पर्शियन लैंग्वेज में, जरोस्टर है ना इन पर्शियन, कन्फ्यूशियस इन चाइना, नाम तो सुना होगा इनका, जरोस्टर का तो सुना नहीं होगा शायद, लेकिन कन्फ्यूशियस का तो सुना होगा आपने, एंड महावीर एंड गौतम बुद्ध, ये तो पढ़ेंगे इनके बारे में हम इस चैप्टर में है ना, इन इंडिया, इन इंडिया तो कहा इस वर्ल्ड को ना बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड माना जाता है, क्योंकि इस पीरियड ने देखा, इन पीरियड ने देखा है क्या, देखा है एमरजेंस, एमरजेंस मतलब उद्गम, स्टार्टिंग है ना, इंट्रोडक्शन, इस पीरियड ने स्टार्टिंग देखी है
किन चीजों की स्टार्टिंग देखी, किन चीजों का इंट्रोडक्शन देखा है, कुछ महान लोगों के आते हुए का। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे लोगों को आते हुए देखा इस पीरियड ने, सिक्स सेंचुरी ने, सिक्स सेंचुरी ने बहुत होशियार लोगों ने, लाइक जोरोस्टर इन पर्सिया, पर्सिया के जोरोस्टर, चाइना के कन्फ्यूशियस, इंडिया के महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध, लोगों को सेंचुरी ने देखा है, एक्सपीरियंस किया है, तो इस सेंचुरी को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। इन इंडिया इट वॉज द पीरियड व्हेन ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिस वर चैलेंज्ड एंड इवन रिजेक्टेड बाय न्यू सेक्ट। वो कह रहा है इंडिया में, यहाँ तक कि इंडिया में तो बल्कि क्या हुआ इस पीरियड में, इट वॉज अ पीरियड, ये एक ऐसा पीरियड था जब ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस बिलीफ को चैलेंज किया गया। जो ऑर्थोडॉक्स हमारा सिस्टम थे ना, ऑर्थोडॉक्स मतलब क्या, रूढ़िवादी, ऑर्थोडॉक्स मतलब क्या, ऑर्थोडॉक्स मतलब क्या, रूढ़िवादी, और मुंह चुपो जा, ऑर्थोडॉक्स मतलब क्या, रूढ़िवादी, रूढ़िवादी मतलब क्या होता है, एक स्ट्रिक्ट और एक ओल्ड पॉलिसी को फॉलो करते चलना, एक स्ट्रिक्ट ओल्ड रिचुअल्स को फॉलो करते चलना जिनके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, और लॉजिक है भी तो लोगों को पता नहीं कि फॉलो किए जा रहे हैं। तो ऐसे इन चीज़ों को चैलेंज किया गया, इन चीज़ों को चैलेंज किया गया, लोगों से पूछा गया क्यों कर रहे हैं, क्या बेनिफिट है इसके ऊपर, ठीक है। और जिन चीज़ों में पता चला कि तो बिल्कुल बेकार ही है, इनका कोई यूज ही नहीं है, यूजलेस है, उन प्रैक्टिसेस को, उन बिलीफ्स को क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया, उनको चैलेंज किया गया, और चैलेंज करने के बाद रिजेक्ट भी कर दिया गया बाय द न्यू सेक्ट। बाय द न्यू सेक्ट में देखें कुछ न्यू रिलीजन आ गए हैं, कुछ न्यू रिलीजन आ गए, सेक्ट मतलब रिलीजन होता है, ठीक है, कुछ ब्रांचेस ऑफ रिलीजन आ गए, ठीक है। ऑफ दिस सेक्ट्स इन रिलीजन में कौन कौन से थे, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म एमर्ज्ड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। तो वो कह रहे हैं इन न्यू रिलीजन में से, इन न्यू रिलीजन में से जो जैनिज्म और बुद्धिज्म है, जो जैनिज्म एंड बुद्धिज्म है, वो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट लेकर आए। मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब क्या, इंपॉर्टेंट मतलब जिसके में एबिलिटी ऑफ फ्यूचर में कुछ करने के पोटेंशियल, जिसको बोलते हैं, तो पोटेंशियल का ही एक वर्ड है पोटेंट, ठीक है। इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलीजियस यानी फ्यूचर में काम करने वाला रिलीजन, रिलीजन मूवमेंट मतलब ऐसा लोगों को लगने लगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट था नहीं, यहाँ पर तो मैं बोलूँगा, यहाँ के तो मैं नोट पे नहीं लिखवा रहा आपको, ये जो हाईलाइट किया है यही आप नोट खुद से करें ना, बाकी जो इम्पोर्टेंट होगा वो मैं लिखूँगा, ठीक है। सोर्सेज की बात करते हैं कि इतना सब कुछ आपको पता चला, आपको तो क्या क्लास में पता चला, लोगों को इन चीज़ों के बारे में कैसे पता चला, इतने सारे जो लोग हैं जो हमें पढ़ा रहे हैं उनको इन चीज़ों के बारे में कैसे पता चला, या फिर जो हिस्टोरियंस हैं उनको कैसे पता चला। इंपॉर्टेंट होता है हिस्टोरियंस बोलना चाहिए कि हिस्टोरियंस को इनके बारे में कैसे पता चला। तो वो कह रहा था थ्री इंपॉर्टेंट सोर्सेज, तीन सोर्सेज हैं, तीन सोर्सेज हैं विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, है ना। अब तीन कौन कौन से इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं, एक तो कुछ अंगस करके हैं, पढ़ेंगे भी क्या है ये अंगस क्या है, कृतिकाज, काफी बड़ा है वो, कहाँ गए थर्ड ओपन, कहाँ गए, एक जातक, जातक हिंदी में जातक बोलते हैं, यहाँ पर जातका बोलते हैं, जातकार। ये तीन क्या है सोर्सेज, ये तीन क्या है सोर्सेज, जातकाज, तृप्तिकाज और आपका अंगद, जातकाज, तृप्तिकाज, अंगद, ठीक है। इट इज जनरली एक्सेप्टेड, इट इज जनरली एक्सेप्टेड दैट व्हाट एवर लॉर्ड महावीर थॉट आफ्टर गेनिंग ओमनिसेंस वॉज कंपाइल्ड बाई हिज डिसिपल्स, डिसिपल्स इन 12 पार्ट्स कॉल्ड अंगस, संस्कृत, है ना, अंगस संस्कृत वर्ड फॉर पार्ट्स, है ना। बेसिकली अंगस तो लिखा हुआ है, इसको बोले क्या अंग, क्या बोले अंग, अंग मतलब पार्ट, अंग मतलब पार्ट। तो ये अंग जो वर्ड है ये आया संस्कृत वर्ड से, इसका मीनिंग क्या होता है पार्ट, पार्ट का मीनिंग होता है अंग, है ना। क्या कह रहा है ये जो अंगस है, ये अंग बोलूं हिंदी में, ऐसा माना जाता है, ऐसा माना जाता है जनरली एक्सेप्टेड, ऐसा माना जाता है, माना जाता है कि क्या, कि जो कुछ भगवान महावीर ने, जो कुछ लॉर्ड महावीर ने सिखाया था आफ्टर गेम गेटिंग गेम गेनिंग ऑमनिसेंस यानी
परम ज्ञान प्राप्त करने के बाद, हमने सुना था परम ज्ञान, तो इतनी नॉलेज पाने के बाद जो भी उन्होंने सिखाया था दूसरों को, ठीक है, वो सब कुछ कंपाइल किया गया है उनके डिसिपल्स द्वारा, उनके स्टूडेंट्स थे उन्होंने वो सब कंपाइल करके वो सब एक जगह पर नोट डाउन करके लिख दिया गया इन 12 पार्ट्स, इन 12 पार्ट्स में लिख दिया गया। उन 12 पार्ट्स को बोला जाता है अंगस, क्या बोला जाता है उनको, अंगस। उन 12 पार्ट्स क्या बोला जाता है, अंगस बोला जाता है, ठीक है, जो कि संस्कृत का वर्ड है पार्ट, है ना। दीज अंगस आर कलेक्टिव नोन एज द्वादसंगी, द्वादसंगी इन सारे, क्योंकि 12 पार्ट्स हैं तो एक पार्ट को अंगस बोलते हैं अंग बेसिकली, तो 12 पार्ट्स को क्या बोलेंगे, तो 12th को भी संस्कृत में बोलते हैं द्वादशी, क्या बोलते हैं द्वादशी, 12th में वो संस्कृत में, सॉरी 12th में, संस्कृत में 12 को क्या बोलते हैं, द्वादशी, क्या बोलते हैं द्वादशी, तो वहीं से उन वर्ड बने द्वादसंगी, 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 द्वादशी नहीं द्वादसंगी है। तो इन सभी को मिलाकर 12 के 12 अंगों को मिलाकर जो कलेक्टिव जो वर्ड आता है हम उसको क्या बोलेंगे, द्वादसंगी बोलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, ये याद रखने वाली चीज़ें हैं छोटी छोटी, ठीक है। और कलेक्टिवली हम इनको क्या बोलते हैं, द्वादश अंगी, ठीक है। द फोर मोस्ट ऑफ दीज अंगस इज आचरंग सूत्र, अनदर वेल नोन अंग इज द व्याख्या प्रज्ञपति, दिस इज द मोर पॉपुलर नोन एज भागवती सूत्र। While the former deals in the code of conduct which a Jain monk is required to follow, the latter expounds the Jain doctrines in a comprehensive manner. Based on these angas, a seed also compiled. Seeds का तो meaning भी लिखाना है मुझे। Twelve auxiliary works that came to be known as fungus. ठीक है। It is said that these angas and fungus were not written for a long time. They were orally passed on by the religious leaders to their pupils. According to famous historian R.C. Mazumdar, the words disclosed on the 4th century BC of a mine in South Bihar led to exodus of an important sect from Jain headed by Bhadrabahu to South India. Those that remained behind participated called for a council in order to derive the knowledge of the Angas. The result was the compilation of the 12 Angas at another council held at Vallabhi in Gujarat in the 5th or 6th century AD. A final collection of these scriptures was made for the first time in Ardhamagadhi Prakrit language. The Angas are the most important part of the Jain doctrines. They discuss religious rites. ठीक है, यहाँ पे राइट्स का मतलब संस्कार से है, यहाँ पे जो राइट है इसका मतलब संस्कार से है, सेरेमनी है ना, रिलीजियस राइट्स, स्टेजेस ऑफ अ हाउस होल्डर्स लाइफ, द बोज ऑफ चेस्टिटी, रूल्स ऑफ कंडक्ट एंड अदर फीचर्स ऑफ देयर फिलोसफी। तो पहले तो वर्ड मीनिंग लिख लो, नोट कर लो इन तीनों वर्ड्स को, ये मैंने आपको मार्क कराए हैं, फिर मैं आपको बोलता हूँ। लिख लिया, तो चेस्टिटी का पहले मीनिंग है प्योरिटी, चेस्टिटी का मतलब क्या लिखो, प्योरिटी, ऑब्लिक सिंप्लिसिटी, ऑब्लिक मतलब सिंपल बना देते हैं ना, ऑब्लिक वाला ऐसा, ऑब्लिक सिंप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी यानी सिंपल लाइफ, है ना। राइट्स का तो आपने संस्कार लिख ही लिया होगा, रिचुअल या फिर क्या कहते हैं सेरेमनी, आपको बोला था मैंने, रिचुअल भी लिख सकते हो, है ना। कहाँ गया, सीड्स भी लिख लो, द सीड्स ऑल्सो कंपाइल्ड, लिखो ज़्यादा सीड्स का मतलब ऐसा आपको बता रखा है आई थिंक सीड। हाँ, उर्दू में ना सीड का एक अपोजिट होता है, उर्दू सॉरी सुनने मत है, उर्दू में प्रॉफिट, PROPHET, जिसको हम बोलते हैं, जो कि हम प्रॉफिट मोहम्मद के नाम से पीछे लगाते हैं, मोहम्मद जी के नाम से पहले लगाते हैं प्रॉफिट मोहम्मद, बस प्रॉफिट होता है, मतलब उर्दू में इसका सुनने प्रॉफिट, क्या मतलब दोनों का मतलब,
हम क्यों उनके नाम के साथ प्रॉफिट लगाते हैं? आपने चैप्टर पढ़ रखा होगा ना, ये आपने राइज ऑफ क्रिश्चियनिटी, राइज ऑफ इस्लाम, आपने चैप्टर पढ़ रखे होंगे तो आपने पढ़ा होगा राइज ऑफ इस्लाम के अंदर प्रॉफिट वर्ड का मीनिंग। इसका मतलब कोई सिद्ध इंसान, सिद्ध मतलब क्या, मतलब सिद्ध पुरुष का मतलब क्या बताऊँ, मतलब एक सिद्ध पुरुष। आप ऋषि मुनि लिख, आप सिद्ध पुरुष के बारे में आपको कैसे बताऊँ मैं, सिद्ध पुरुष का आप ऋषि लिख लो, ऋषि मुनि है ना, आप ऋषि मुनि लिख लो, संत वगैरह, संत लिख लो आप, बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। संत कॉमन वर्ड है, क्रिश्चियंस में भी आता है, मुसलमानों में भी आता है, हिंदुओं में भी आता है। संत लिख लो, SINT है ना, संत है ना, सेंट बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में संत बोलते हैं, संत लिख लो ठीक है। अब एक बार इसको कंप्लीट करते हैं अंगस को, तो कहते हैं फॉरमोस्ट ऑफ दिस अंगस, यानी जो 12 है, तो 12 में तो सबसे पहले जिसकी बात की जाती है वो किसकी की जाती है, आचरंग सूत्र, आचरंग सूत्र, आचरंग सूत्र पहला क्या है, आचरंग सूत्र दो ही बताए हैं ये, मतलब 12 के 12 बताएंगे, अच्छी बात है, आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा। और दूसरा है व्याख्या प्रज्ञपति, प्राज्ञ वो व्याख्या प्रज्ञपति, इसको और भी क्या बोलते हैं, भागवती सूत्र भी बोलते हैं, भागवती सूत्र भी बोलते हैं ठीक है। तो वो कह रहे हैं जो आचरण सूत्र था, वेल द फॉर्मर डेज, फॉर्मर मतलब क्या, जिसके मैंने पहले बात की है, पहले वाला जो पहले वाला है, यानी आचरण सूत्र है, वो डील करता है किसके साथ, आचरण सूत्र जो वो डील करता है किसके साथ, विद द कोड ऑफ कंडक्ट, कि किसी भी जैन मंग का कोड ऑफ कंडक्ट कैसा होना चाहिए, उसका बिहेव बिहेव व्यवहार कैसा होना चाहिए। और जो व्याख्या प्रज्ञपति है या फिर भागवती सूत्र है, ये क्या बताता है, एक्सपाउंड थ्री, ये बता, एक्सपाउंड तो बताना क्या बताना, जैन डॉक्ट्रिन, जैन जैन लोगों के प्रिंसिपल, जैन लोगों के प्रिंसिपल, इन अ कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव का मीनिंग होता है तो डिटेल्ड, इन अ डिटेल्ड मैनर, ये डिटेल्ड मैनर में क्या बताता है, जैन डॉक्ट्रिन बताता है, यानी भागवती सूत्र के अंदर क्या लिखे हुए हैं, कुछ डॉक्ट्रिन लिखे हुए हैं, वो भी डिटेल्स में, वो भी डिटेल्स। बेर ऑन दिन अंगस, अगर इन अंगस के, अब इन अंगस के बेस पर, इन अंगस के बेस पर जो सीड्स थे, सीड्स यानी जो संत थे, संत उन्होंने क्या कंपाइल किया, उन्होंने कुछ बुक्स कंपाइल किया, उन्होंने कुछ बुक वगैरह बनाई, उन्होंने 12 ऑक्सिलरी बुक्स किए, ऑक्सिलरी वर्क तैयार किए, ऑक्सिलरी मतलब क्या, हेल्पिंग या सपोर्टिंग, उन्होंने भी कुछ सपोर्टिंग टेक्स्ट बना दिए, उन्होंने भी क्या कर दिया, 12 सपोर्टिंग टेक्स्ट बना दिए, जिसको क्या बोला जाने लगा, उपअंगस, उप उप मतलब क्या, सपोर्टिंग पार्ट, उप है ना, उपअंगस बना दिए। इट इज सेड दैट दिस अंगस एंड उपअंगस वर नॉट रिटेन फॉर लॉन्ग टाइम, ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि अंगस से उपअंगस है ये काफ़ी लंबे टाइम तक नहीं लिखी गई, यानी ऐसा नहीं लिखने में काफ़ी टाइम लगा हो या फिर बहुत लंबे टाइम तक कंटिन्यूसली लिखा गया हो, ऐसा माना जाता है, देवर ओरली पास्ड ऑन बाय द रिलीजियस लीडर्स टू देयर पर्पस, ऐसा माना जाता है। ये तो ओरली एक जनरेशन से दूसरी, दूसरी जनरेशन से तीसरी, तीसरी जनरेशन से चौथी जनरेशन ना ओरली पास ऑन किया गया ये सारी चीज़ें। फिर एक फेमस हिस्टोरियन है मजुमदार, आर्थ मजुमदार, उनका कहना है टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ फोर्थ सेंचुरी, यानी फोर्थ सेंचुरी के एंड की बात है, अ फेमस इन साउथ बिहार लेड टू एक्सोडस ऑफ एन इम्पोर्टेंट सेक्शन ऑफ जैनाज, एक्सोडस का मीनिंग लिख लो, है ना, एक्सोडस का मीनिंग दो होते हैं, एक्सोडस के मीनिंग दो होते हैं, आप देख लो, स्टार्टिंग 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 ये लिखो, आप केवल दो लिखूंगा ठीक है। अब फेमाइन का घर ले, अगर फेमाइन भी लिख लो फिर फेमाइन का मतलब भी लिखना पड़ेगा आपको, A famine south were led to the exodus of an important section of Janals headed by Bhadrabahu। लिख लिया आपने, और ये तो इसके मीनिंग क्या होते हैं, भूख से मरना, भूख से मरना, तो इसको आप बोल सकते हो फेमाइन को स्टारवेशन, STARVATION, STARVATION, स्टारवेशन मतलब भूख मरी है ना। सब कह रहा है एक आरसी मजुमदार एक हिस्टोरियन है पुराने, उनके अकॉर्डिंग फोर्थ सेंचुरी के एंड, फोर्थ सेंचुरी के एंड में एक फेमस वाली सिचुएशन क्रिएट हो गई थी साउथ बिहार में, जिसकी वजह से क्या हुआ, एक इम्पोर्टेंट सेक्शन ऑफ जैना स्टार्ट हुआ, एक जैनी और जैन लोगों की एक इम्पोर्टेंट चीज़ स्टार्ट हुई है, जैन लोगों के उद्गम हुआ बेसिकली कह सकते हो,
हेड बाय भद्रबाहु, जिसको हेड किसने किया, उस सेक्शन को हेड किसने किया, भद्रबाहु ने, तो साउथ इंडिया है ना, साउथ इंडिया में उन्होंने उसको एक्सटेंड वो हेड किया। दोज दैट रिमेंड बिहाइंड इन पाटलिपुत्र। अब कुछ लोग तो मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पे एक्सोडस का मीनिंग स्टार्टिंग है, डिपार्चर है, डिपार्चर डिपार्चर यहाँ पे इसका मीनिंग डिपार्चर, अभी 2 मीनिंग में आपको काम करता है, स्टार्टिंग और डिपार्चर, तो यहाँ पे इसका मीनिंग डिपार्चर से लिख लो डिपार्चर। तो वो कह रहे हैं इस भुखमरी की वजह से साउथ बिहार के लोगों को जाना पड़ा, डिपार्चर में जाना जाना पड़ा है ना, कुछ जैन लोगों को जाना पड़ा, ठीक है, कहाँ जाना पड़ा, साउथ इंडिया जाना पड़ा, कहाँ जाना पड़ा, साउथ में जाना पड़ा, ठीक है, साउथ में जाना पड़ा। और इन लोगों को हेड किसने किया, भद्रबाहु ने, भद्रबाहु ने, दोज दैट रिमेंड बिहाइंड पाटलिपुत्र, से जो लोग साउथ बिहार में रहे, साउथ बिहार में एक जगह है पाटलिपुत्र का फेमस जगह है, ठीक है, जो लोग रहे वहाँ पे वहीं पर रहे पाटलिपुत्र में, कॉल फॉर अ काउंसिल, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई, कॉल फॉर आपके लिखवाए भी था एक वर्ड ये, कॉल फॉर मतलब का एक उन्होंने काउंसिल बुलाई, ठीक है, हेल्प के लिए, इन ऑर्डर टू रिवाइव द नॉलेज ऑफ द अंगस, किस लिए, ताकि वो अंगस की नॉलेज को क्या कर सके, रिवाइव कर सके, रिवाइव मतलब पुनर्जीवित करना, अलाइव करना, कि लोगों में द्वारा से क्या कर सके, अंगस की नॉलेज दे सके। द रिजल्ट वाज कंपाइलेशन ऑफ द 12 अंगस, इस वजह से उस टाइम पर ऐसा माना जाता है कि उस टाइम पर 12 अंगस लिखे गए थे साथ के साथ, ये नहीं कि 12 अंगस को लिखने में बहुत टाइम लग गया, नहीं, एक सिचुएशन ऐसे है कि लोगों को लगा कि हाँ इस टाइम पर हमें लिख देना चाहिए, इनको ड्राफ्ट कर देना चाहिए ताकि लोग पढ़ सके, अब कौन बोल बोल कर सुनाएगा, अब इनको लिख दिया जाए, क्योंकि लोगों को लगने लगा शायद हमारे देर हो जाए यहाँ पर बुक की वजह से, भुखमरी की वजह से, तो हम बुक्स में लिख जाएं तो जो भी आने वाली जो जनरेशन होगी वो पढ़ लेगी, या फिर जो भी कोई इंसान यहाँ पर आएगा उसको पढ़ लेगा, ऐसा हो सकता है, ऐसा यहाँ पर लिखा नहीं है, ऐसा मेरा आइडिया है। एट अनदर काउंसिल हेल्ड एट बल्लभी इन गुजरात, सब बल्लभी एक गुजरात में जगह है, वहाँ पर एक काउंसिल हुई थी इन द 5th और 6th सेंचुरी, अब हिस्टोरियंस को भी कन्फर्म नहीं कि 5th में हुई थी या 6th में हुई थी। अ फाइनल कलेक्शन ऑफ स्क्रिप्चर्स वॉज मेड, एक फाइनल कलेक्शन ऑफ स्क्रिप्चर बना दिया गया फॉर द फर्स्ट टाइम इन अर्ध मगधी प्राकृतिक लैंग्वेज, एक मगधी लैंग्वेज है, एक मगधी लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में इसको बना दिया गया, ठीक है। वहाँ की लोकल लैंग्वेज को बोलते हैं प्राकृत लैंग्वेज है ना। द अंगस आर रिगार्डेड एज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द जैन डॉक्ट्रिन, अंगस को जैन डॉक्ट्रिन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है, दे डिस्कस रिलीजियस राइट्स, वो रिलीजियस संस्कारों के बारे बताते हैं, रिलीजियस रिचुअल्स के बारे में बताते हैं, स्टेजेस ऑफ हाउस होल्डर्स लाइफ, जिसमें वहाँ पे हम 4 आश्रम पढ़े थे हमने वैदिक पीरियड में, ऐसे यहाँ पे भी ये कुछ हाउस होल्डर्स की लाइफ की स्टेजेस बताते हैं, वो ऑफ चेस्टिटी, वो ऑफ प्योरिटी, आपकी प्योरिटी के रिगार्डिंग, ठीक है, ठीक है, आपकी प्योरिटी के रिगार्डिंग बताते हैं आपको, और आप इनको और क्या कह सकते हो, आप इनको और भी कह सकते हो लाइक सिंप्लिसिटी, कि इन लोगों को मतलब बहुत सिंपल लाइफ जीनी होती है, ठीक है, तो इन चीज़ों के बारे में बताते हैं, रूल ऑफ कंडक्ट के बारे में बताते हैं, अदर फीचर्स ऑफ जैन फिलोसफी, मतलब और भी चीज़ें हैं, इन चीज़ों के बारे में बताते हैं, कौन बताते हैं, ये अंग, यही अंग बेसिकली हिंदी में बोलूँ तो मैं, ठीक है, आज हम यहीं तक पढ़ते हैं अभी, ज़रा कुछ होमवर्क देखता हूँ मैं, आता कुछ होमवर्क कहता हूँ, अच्छी बातें नहीं है तो अभी ठीक है। कितना बड़ा चक्कर है, वाटर हो कर सकते हो, छोड़ दो अभी, अंगस अगर कर पाओ तो ट्राई करें ना, कर पाओ तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देना, क्योंकि मेरे को लग नहीं रहा कि ये है, कुछ नहीं है, ठीक है, बस यही आप पढ़ता, इसको पढ़ लेना 2-3 बार, रिवाइज भी कर लेना, ठीक है, होमवर्क नहीं है, इसको रिवाइज कर लेना, प्रिंसिपल काम करो, और जो पुराने चैप्टर उनको जरा रिवाइज करो, ठीक है।